प्यारे दोस्तों, आपकी विभिन्न विषयों में जीएस के पार्ट में एक साइंस का आज के एग्जामों में अहम रोल है, जैसा कि आप जानते हैं। इसी दृष्टि से आपके लिए विज्ञान विषय की श्रृंखला लाई गई है। और आप जानते हो कि विभिन्न एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आईएएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, कोई भी विषय हो, सारे विषयों में विज्ञान का आज एक महत्वपूर्ण रोल है। तो इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हमने विज्ञान विषय आपका स्टार्ट किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप विज्ञान को बहुत ही अच्छी भाषा में, सरल भाषा में समझेंगे तथा मेरे साथ नोट्स अवश्य ही बनाएंगे। नोट्स आपके लिए अवश्य ही बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं हम विज्ञान। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान शब्द है, जो हमारा विज्ञान शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से मिलकर बना है। अगर हम साइंसिया की बात करें तो साइंसिया के दो अर्थ होते हैं। एक होता है टू नो, एक होता है नॉलेज। टू नो का मीन्स होता है जानना और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी विषय के बारे में या किसी विषय के बारे में जानना, क्रमबद्ध जानना ही विज्ञान कहलाता है। किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध जानना ही विज्ञान कहलाता है, या किसी विषय के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान का अर्जन ही कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अर्थात सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, विज्ञान कहलाता है। अर्थात किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, या सत्य की खोज, विज्ञान कहलाती है। मैं बार बार आपसे बोलूंगा कि आपके लिए नोट्स बनाने ही हैं, तभी आपको विज्ञान पूर्ण समझ में आएगी। मैंने बोला कि साइंस ये शब्द से बनी है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। इसके दो मीन्स होते हैं, एक होता है टू नो जानना, एक होता है नॉलेज ज्ञान। हम फिर बोलेंगे किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, या जानना ही विज्ञान कहलाता है। अब हम बात करें हमारे जो एग्जाम हैं, एग्जाम की दृष्टि से देखें तो हमारे साइंस के तीन पोर्शन हमारे एग्जाम में आते हैं। यदि मैं तेज लिखा हो या तेज बोला हो तो आप उसे पॉज कर देख सकते हैं। अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखें तो हमारे विज्ञान के तीन भाग, प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है हमारा बायोलॉजी, एक होता है हमारा फिजिक्स, एक होता है हमारा केमिस्ट्री। आप इसे भली भांति परिचित हैं और आप कुछ लोग एग्जाम दे चुके हैं, सब कुछ देने वाले होंगे। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर हम किसी भी एग्जाम का रेशियो देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो बायोलॉजी का आता है। सबसे वाला पोर्शन है बायोलॉजी का आता है, इसीलिए हम एग्जाम की दृष्टि से और कम समय में अच्छी तैयारी के लिए जो पहले हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है उसके लिए हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी की बात करें तो जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है।
दो शब्दों से, किसके हैं, ग्रीक भाषा के। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने हैं, वो शब्द हैं बायोस बायोस और लॉगिस। बायोस का मीन्स होता है सजीव, लिविंग, और लॉगिस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। अर्थात बायोस का मतलब होता है सजीव या लिविंग, और लॉगिस का अर्थ होता है अध्ययन या स्टडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर ये बताइए लिविंग कौन होते हैं, सजीव कौन होते हैं, सजीव कौन होते हैं। तो उसके लिए आप देखें सजीव कौन होते हैं, एक होता है निर्जीव नॉन लिविंग, और निर्जीव कौन होते हैं, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आई है सजीव। तो सजीव वो होते हैं जिनमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो कौन होते हैं, सजीव होते हैं। जिनमें रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है, अर्थात बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो कौन होते हैं, सजीव होते हैं। जिनमें डाइजेशन होता है अर्थात पाचन होता है, अर्थात पाचन होता है, वो कौन होते हैं, सजीव होते हैं। जिनमें रेस्पिरेशन होता है अर्थात श्वसन होता है, वो सजीव होते हैं। प्यारे दोस्तों, सजीव उन्हें बोलते हैं जिनमें वृद्धि हो, प्रजनन हो, पाचन हो, श्वसन हो, एक्सक्रेशन हो, उत्सर्जन हो, एक्सक्रेशन हो, उत्सर्जन हो, विभिन्न प्रकार की वृद्धि हो, वो कब होते हैं, सजीव। कहने का मतलब हम ह्यूमन हैं, हमें वृद्धि होती है, हमें प्रजनन कर सकते हैं, हम पाचन कर सकते हैं, हम श्वसन कर सकते हैं, हम उत्सर्जन कर सकते हैं, हम कौन हो गए, सजीव। पेड़ पौधे जो भी दिखाई दे रहे हैं आपके लिए सब क्या है, सजीव। अगर हम कुर्सी की बात करें, नॉन लिविंग की बात करें, निर्जीव की बात करें, तो कुर्सी क्या है, निर्जीव है। स्टूल क्या है, निर्जीव है, ना तो उनमें वृद्धि होती है, ना उनमें प्रजनन होता है, ना उनमें पाचन होता है, ना श्वसन होता है, तो वो कौन हो गए हमारे, निर्जीव। तो हमने एक बात समझा कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, आप इसे उतारना है सजीव के बारे में। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे हमने देखा का बायोलॉजी अर्थात है क्या, क्या है बायोलॉजी का मीन्स, तो हमने बोला कि सजीव का अध्ययन, तो बोल सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाए, वो जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाए, वो कौन कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। या जीवधारियों का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाती है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाए या स्टडी की जाए, क्या कहलाती है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं बार बार रिपीटेशन इसलिए कर रहा हूं, जो एक्सीलेंट बच्चे हैं उनका क्या होगा, बार बार पुनरावृत्ति होगी, अभ्यास होगा, और जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें बार बार क्या होगा, समझने में परेशानी दूर होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, और कई बार एग्जाम में भी आया है, यूपीपीसीएस में भी आया है, कई सारे एग्जाम में और भी आया है कि साहब हमने बार बार बायोलॉजी शब्द बोल रहे हैं और जीव विज्ञान शब्द बोल रहे हैं, आखिर ये शब्द दिया किसने, कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम बायोलॉजी
या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो बात करते हैं 1802 में, 1802 में दो वैज्ञानिक थे, एक थे लैमार्क, एक और कौन थे, ट्रेवी रेनस। तो 1802 में सर्वप्रथम फर्स्ट बार लैमार्क ने और ट्रेवी रेनस ने 1802 में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। कई बार आपके एग्जाम में आया है कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने करा, तो लैमार्क ने और ट्रेवी रेनस ने। हमने इंट्रोडक्शन देखा बायोलॉजी का और नामकर्ता भी देख लिया, खोजकर्ता भी देख लिया, किसने बायोलॉजी शब्द का नामकरण किया। तो कई बार एग्जाम में आया है कि बायोलॉजी शब्द किसने प्रयोग किया था, लैमार्क ने और ट्रेवी रेनस ने। देखो मैं बार बार आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए नोट्स बनाने बहुत ही आवश्यक हैं, जिसके नोट्स अच्छे हैं उसकी तैयारी अच्छी। फिर बार बार कहूंगा संघर्ष बहुत कठिन है, गागर में सागर बनने वाली बात है। कम समय में ज़्यादा अच्छे ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने हैंड राइटिंग नोट्स लिखने बहुत जरूरी हैं। और आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आपने हिस्ट्री में एक नाम सुना होगा, सिकंदर का नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में। तो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, पौरस्य युद्ध हुआ था उसका, आपको खूब याद है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन आता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो उसका आंसर आता है एरिस्टोटल या अरस्तु, एरिस्टोटल या अरस्तु। तो पहली बात हो गई, अरस्तु थे कौन, सिकंदर के गुरु थे। और सिकंदर आप जानते हैं कितना महान था, भारत तक आ गया था। उसका एक सपना था का जहां तक सूर्य निकलेगा वहां तक उसका क्या हो, शासन हो, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अरस्तु वास्तव में कौन है, अलेक्जेंडर या सिकंदर के गुरु थे, लेकिन एक दार्शनिक भी थे। कौन थे, एक दार्शनिक भी थे, और दार्शनिक के विषय में आप अच्छी तरह जानते हैं, एक फिलोसफर थे, दार्शनिक थे। अब इन्होंने क्या करा था, यही वह फर्स्ट पर्सन थे या प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों और जंतुओं का, प्लांट्स एंड एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करा, वर्गीकरण करा, और उनके प्रजनन रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। मैंने बोला अरस्तु एक दार्शनिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन, उनका प्रजनन के बारे में बताया। तो इसीलिए फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को या एरिस्टोटल को कहा जाता है। हम बोल सकते हैं सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का वर्गीकरण और प्रजनन के बारे में अरस्तु ने बताया, इसलिए जीव विज्ञान का पिता, इसलिए नीचे दिखाई दे रहे इसलिए ऊपर लिखते हैं, इसलिए जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। मैंने बोला अरस्तु ही वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पौधों और जंतुओं के वर्गीकरण करने की कोशिश की। हालांकि इनका वर्गीकरण सक्सेसफुल नहीं हुआ, केवला सिलिनियस के सक्सेसफुल हुआ। और क्या करा, उनके प्रजनन के बारे में बताया, इसलिए इन्हें बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप उसे पीछे पॉज करके देख सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें, अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो बायोलॉजी की दो प्रमुख शाखाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं लेकिन दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक है जूलॉजी, सब क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान, और एक है बॉटनी वनस्पति विज्ञान। एक और आती है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान, लेकिन वो वादे की बात है। पहले देखो जूलॉजी जंतु विज्ञान, एक है बॉटनी वनस्पति विज्ञान, ये दो प्रमुख शाखाएं हैं और इनमें क्या करना है, हमारे एग्जाम से क्वेश्चन बनता है जूलॉजी से, और जूलॉजी में पढ़ना क्या है तो प्रमुख से पढ़ना हमें ह्यूमन मानव के शरीर के बारे में प्रमुख से पढ़ना है, और बॉटनी में वनस्पति के बारे में हमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना है। थोड़ा हम इंट्रोडक्शन ले लें जूलॉजी क्या है और बॉटनी क्या है। तो पहले देखते हैं जूलॉजी, अरे जूलॉजी की बात करें तो मैंने बोला जंतु विज्ञान, आप जानते ही हो जितने भी तुम्हें जंतु दिखाई देते हैं, मानव हो, शेर हो, चीता हो, बंदर हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, सांप हो, सब किसमें आते हैं जंतु में आते हैं, जंतु विज्ञान। अब बात आई जूलॉजी, तो जूलॉजी के फादर कौन है, तो मैंने बोला फिर एक व्यक्ति तुम्हें याद है, नाम मैंने दोबारा बता दिया है, क्या नाम है उनका, अरस्तु। ये टोटल है, ये टाइम पीरियड 384 बीसी से 322 बीसी था, यही टाइम सिकंदर का था 384 बीसी से, और 322 बीसी इनका टाइम था। अरस्तु ने क्या करा, इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम अर्थात जंतु इतिहास, जंतु इतिहास इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 प्रकार के, लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के या एनिमल के रिप्रोडक्शन, प्रजनन, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और उनके विभिन्न विषयों के बारे में बताया। ठीक है, मैंने बोला इनकी पुस्तक है जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम जंतु इतिहास। इन्होंने अपनी पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं और जंतुओं के बारे में, उनके प्रजनन के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में, उनके संरचना के बारे में, उनकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इसलिए इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है, इसलिए फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु के लिए कहता है। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके लिए लिखना है अरस्तु की पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें लगभग 500 प्रकार के जंतुओं के प्रजनन के, वर्गीकरण के, क्लासिफिकेशन के, रिप्रोडक्शन के, स्ट्रक्चर के बारे में समझाया। इसलिए इसलिए जूलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा सब ये बताओ बायोलॉजी का फादर कौन है, तो कौन होगा ही, अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साहब जूलॉजी का फादर कौन है आप बताओ, कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। अब दूसरी प्रमुख शाखा है तो कौन सी है, बॉटनी। दूसरी प्रमुख शाखा कौन सी है, बॉटनी। अगर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में देख लिया तो एक व्यक्ति आए थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस
एक व्यक्ति आए थियोफ्रेस्टस, इन्होंने क्या करा, इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटरम, हिस्टोरिया प्लांटरम, हिस्टोरिया प्लांटरम, पौधों का इतिहास, हिस्टोरिया प्लांटरम, इन्होंने क्या करा, इन्होंने लगभग 500 प्रकार के, लगभग 500 प्रकार के पौधों की संरचना के बारे में, क्या चीज, स्ट्रक्चर के बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में, मोरोलॉजी के बारे में, इनकी संरचना के बारे में, इनके रिप्रोडक्शन प्रजनन के बारे में, इनके प्रजनन के बारे में समझाया। इसीलिए वनस्पति विज्ञान का फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, इसीलिए फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, मैं आप आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आज हमने क्या पढ़ा, तो मैंने बोला आज हमने विज्ञान पढ़ा, और विज्ञान में हमने स्टार्ट करा कि विज्ञान शब्द जो है क्या है, विज्ञान विषय क्या है, तो विज्ञान विषय वह है जिसमें क्रमबद्ध किसी का ज्ञान कराया जाए या उसी विषय में जाना जाए, सत्य की खोज क्या है, वास्तव में विज्ञान है। और विज्ञान के बाद हमने देखा हमारे एग्जाम में जो प्रमुख शब्द विषय है उसमें बायोलॉजी आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, तो मैंने बोला एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बायोलॉजी स्टार्ट करा और बायोलॉजी शब्द को समझा, हमने बोला ग्रीक भाषा को दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, जो बायोस का मतलब क्या होता है सजीव, और लॉजिस का मतलब क्या होता है अध्ययन, सजीव और अध्ययन कहलाता है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। फिर बात आई कि जीव विज्ञान शब्द के जनक कौन है, तो हमने बताया 1800 में दो व्यक्ति आए थे, लैमार्क और ट्रेवी पेनस। उसके बाद हमने बात की थी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो कौन कौन है आप बताओ, मैंने बताया एक सिकंदर था, उसके गुरु थे टोटल या अरस्तु, ठीक है, उन्होंने क्या सर्वप्रथम क्या करा, पौधों जंतुओं के बारे में बताया, वर्गीकरण करा, इसलिए कौन क्या कहा जाता है, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा क्या इसकी दो प्रमुख ब्रांच हैं, एक कौन सी है बॉटनी, एक कौन सी है जूलॉजी, तो जूलॉजी के फादर कौन है आप बताओ, अरस्तु है, कमेंट करके बताना है, और बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस हैं, ठीक है। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई, अभी बहुत सारी इसमें इसकी ब्रांचेस हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी कौन के फादर कौन है, अनुवांशिकता के पिता कौन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के पिता कौन है, फादर कौन है, वर्गीकरण के पिता कौन है, ये सारे फैक्ट हैं। हम तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ में फैक्ट भी सारे कराएंगे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से मिलेंगे, ठीक है। मैं आपसे आशा करता हूँ हमारी फर्स्ट क्लास है, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेहनत करेंगे। बाय।